स्क्वाड। मेरा नाम है प्रिया। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति। तो आज हम लिख रहा है स्टैंड अप कॉमेडी। यू नो कभी कभी हंसना ज्यादा अच्छा होता है। मेरी इंटरकास्ट मैरिज प्रत्यूष चौबे की क्या क्या बोल पता नहीं क्या हंसी कैसे करके तभी रोस्ट बन रहे हम पर। मगर बना लो खुश हो जाओ। हैव फन। चले चलो गाइस हंसे थोड़ा। मेरी भी लव मैरिज हुई थी दोस्तों। है? मुझे पता है दिमागों में चल रहा कि झूठ बोल रहा है साला। सच बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली अंदर से खूबसूरत हूँ। मेरा पहली बार में पता नहीं चलता। मेरे साथ 5 साल बिताना पड़ता है और वो भी इंटर कास्ट हुई थी। काफी यंग लोग बैठे आज उन्हें लगता हो कास्ट कोई बवाल थोड़ी रिलीजन बवाल होता है। कास्ट वास्ट तो सेम ही होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक हुई नहीं थी। मुझे बचपन से रिलीजन का क्लियरिटी थी कि अगर बीइंग अ हिंदू मैंने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली अगले दिन हम दोनों पॉलिथीन में पाए जाएंगे। कास्ट का मुझे कभी कोई आइडिया ही नहीं था यार। तो डेट करते हुए 5 साल हो गए और हमने डिसाइड किया कि अब शादी करते हैं। तो हमने सोचा ये जो खुशखबरी हमने आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट की है इस खुशखबरी को अपने माँ बापों में भी ट्रांसफर करते उनका जीवन भी खुशियों से भर देते। और गर्लफ्रेंड ने जोश में पहले अपने घर पे बता दिया। उसके घर पे ना कास्ट की दिक्कत थी क्लियरली थी। एक दिक्कत और थी कि इतना बवाल इसके लिए चैरिटी कर रही हो क्या? क्या दिख गया इसमें? कह रही पापा वो अंदर से खूबसूरत है जिसका एक बार पता नहीं चलता 5 साल बिताइए तो उसके साथ। सिर्फ मेरी फोटो देख के इतना जलील किया ना उसके घर वालों ने। उसके एक चाचा ने ये तक कह दिया मेरी फोटो देख के कि इससे शादी करने से अच्छा तो कमार ही रह जाओ यार। तो मैंने गर्लफ्रेंड को बोला हर बात मुझे मत बताया करो। इट हर्ट्स होता है यार। वो कह रही है हर बात मैंने बताई भी नहीं है। इट हर्ट्स मोर नाउ। मैंने बोला तुम टेंशन मत लो हम 24 ना कास्ट वास्ते बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं अभी जाऊंगा अपने सुपर हीरो पापा को बताऊंगा। मतलब तुम्हारे पापा से ऐसी बात करेंगे अगले हफ्ते शादी। मैं अपने पापा को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था। अगले दिन ऑफिस जाने के पहले पापा के पास पहुंचे। पापा और गांव से एक चाचा आए थे दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। मैंने ना पिच की नमी देखी ना हवा का रुख तो सीधे यॉर्कर अटेम्प्ट कर दिया कि पापा एक मैडम को डेट कर रहे थे 5 साल हो गया था। हम लोग सोचे शादी वादी का तो पहले घर में बताते उसके घर वाले बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आप जाके थोड़ा मना लीजिए ना। पापा कह रहे हाँ बेटा मना लेंगे एक बार हमको भी तो मना लो। दिमाग में नहीं कि इनसे भी तो परमिशन लेनी थी यार। ऑर्डर दे रहा हूँ इनको। फिर बगल में बैठे जो चाचा थे ना वो बोल रहे कुछ नाम पता बताओगे कि गुड़गांव के सारे नाराज माँ पापा को मनाना है हमें। आप किसी गेहूं रंग के लड़के की वजह से परेशान हैं? अंडे जैसा मुंह है उसका हाँ हमारा ही है। फिर मैंने नाम बताया तो चाचा कह रहे नाम क्या बता रहे पूरा नाम बताओ। यही होती है असली बात। शहरों में जब आपसे आपको पूरा नाम पूछता है ना वहाँ के नाम में इंटरेस्टेड है ही वो तुम्हारी जात जानना चाहिए। बचपन में ना कहीं कॉलोनी में आसपास कहीं फंक्शन वंक्शन होता था ना हम लोग ऐसे ही चले जाते थे तो अंकल लोग दरवाजे पे ही रोक लेते थे कि बेटा नाम क्या हुआ आपका? अंकल प्रत्युष। अरे वो सब ठीक है टाइटल क्या लगाते हो? मिस्टर। देख रहे हैं भाई साहब छुपा रहा है। छुपा क्या रहा यार हमें कास्ट वास्ट का आइडिया नहीं था। इतनी बड़ी चीज है तो बचपन से फीड करो ना जहर। अबे
बहुत छोटा था, कोई पूछता था कास्ट क्या, मैं घर का नाम बताया था, गोलू गोलू कास्ट है मेरा। बड़े भाई का कास्ट है बुल्ली। शहरों में ऐसा ही होता पता है, गांव में ना कम से कम खुले आम है, आई अप्रिशिएट ये खुले आम चलता है, शहरों में ना ऐसे अंदर से सब वही है। कितना नाटक कर ले कि जारा जाते हैं और ये करते हैं, अंदर से कनेक्ट कास्ट वालों से ही करते हैं। फिर मैंने पूरा नाम बताया और चाचा को दिख गया कि गोलू तो अब क्राइम पेट्रोल में आने वाला है, ये तो बवाल करवाएगा। तो चाचा ने ना एक बात बोली मुझे बचाने के लिए, शायद मुझे कन्विंस करने के लिए, जो मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। कह रहे तुमको लव मैरिज ही करनी है ना, करो ना, मना थोड़ी कर रहे, पूरा सपोर्ट है, बस किसी और से कर लो। बस किसी और से, इनको लग रहा बड़ा प्लेबॉय पैदा हो गया, इनको लग रहा मैं घर के बाहर निकलता हूँ लड़कियां टूट पड़ती हैं मुझसे, मेरे लिए लड़ मर जाने, वो जा रहा हमारा राजकुमार चौबे जी का लल्ला, चौबे जी चौबे। लड़ाई वड़ाई हो जा रही मेरे लिए, मैं चौबे से शादी करूंगी, नहीं मैं करूंगी, चल कोई नहीं दोनों मैनेज कर लेंगे। यहाँ अलग अलग छह अलग अलग लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद एक ने हाँ कही थी यार। मैं इतना बेवकूफ आती लाइफ में फर्स्ट टाइम डेट पे गया था, लड़की को पूड़ी छोले खिलाने ले गया था और निकलते टाइम एक चूड़ी का डिब्बा गिफ्ट किए थे यार, वो कह रही राखी भी बंधवा ही लो भैया। मेरा ऐसा खौफ फैला था ना कि बड़ा हरामी आदमी है, डेट पे बुला के बहन बना लेता है। सेकेंड टाइम डेट पे गए थे ना, इस बार सोचे थोड़ा ऐसा ट्रेनिंग लेके जाते, तो मैंने मसान देखी थी। हाँ। मसान में आपने याद होगा कि पंकज त्रिपाठी रिचा चड्ढा के लिए खीर बना के ले जाते, समझ ला कितना रोमांटिक है, मैं भी करूँगा। बट आपकी ना वाइब बहुत मैटर करती कुछ भी करने के पहले, और मुझे पता है मेरी थोड़ी सी क्रिमिनल वाइब है। मुझे पता है 5-6 साल से कॉमेडी करो, मैं स्टेज पे आता हूँ, मुझे लड़कियों की आंखों में दिखता है कि इसी को देखने आए क्या सच में, चेक कर लो एक बार। ऐसे ही लोगों को तो अवॉइड करने बोलती मम्मी, आपस में खुशफुस चली, नीचे देखो चेहरा याद कर लेगा ये। फिर ढूंढेगा भी, वाइब थोड़ी चेंज कर दोगे। मैंने भी 2.5 घंटे लाके खीर बनाई, लड़की ने टच तक नहीं किया, कह रही पहले 3 चम्मच तुम खाओ। 18 मिनट बाद मैं खाऊंगी। मैं मसान देख के गया था, वो सूर्यवंशम देख के आई, मेरी क्या गलती है। ये हाल है मेरा, इनको लग रहा बड़ा प्लेबॉय पैदा हो गया कि जो चाहेगा कर ले। अगर तो मैंने बोला चाचा तो क्या बोल यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे हमारे खानदान में तो कोई नहीं किया आज तक ये सब, तुम कहाँ से ले आए, बीमारी थोड़ी ले आए क्या होता है। चाचा कह रहे इतना पटर पटर किए जा रहे, कभी सोचो गाँव में पता चलेगा तो क्या होगा। यहाँ मेरी भी जैसे थोड़ा सा सांस रुकी, क्योंकि मैं 10 साल से गुड़गांव रह रहा हूँ, पर मैं गुड़गांव का हूँ नहीं, मैं गुड़गांव रहता हूँ ना, इसलिए मेरे जो दोस्त है ना दिल्ली मुंबई बैंगलोर के, उनको बड़ी चिंता होती मेरी, कहते गुड़गांव क्यों रह रहा है यार, इतना ट्रैवलिंग जॉब है, रात में आना जाना डर नहीं लगता। उनको मैं क्या होता, मेरा जो गांव है ना जहाँ मैंने स्कूल लाइफ में सारी गर्मी की छुट्टियाँ निकाली हैं, वह वसेपुर से 1.5 घंटे दूर है। वसेपुर से 1.5 घंटे दूर गुड़गांव में मुझे कंफर्टेबल लगता है, बढ़िया नींद आती है गुड़गांव में। फिर गुड़गांव वगैरह में ना कम से कम प्रेडिक्टेबल क्राइम होता है कि आपका झगड़ा हुआ, उसको गुस्सा है, उसने आपको मार दिया। घर वालों को मौत की वजह तो पता होती है, FIR भरने के लिए कुछ है तो। हमारे गांव साइड ऐसे ही हो जाता था, अब तो हालत फिर भी बहुत अच्छी है। 2003 में मेरे चाचा मेरे कजिन को लेके गांव के रेलवे स्टेशन में बैठे थे, एक आदमी आया कह रहा अंकल जादू देखेंगे, और मेरे कजिन को लेके भाग गया यार। कोई फिरौती की कॉल नहीं कुछ नहीं, शायद वो किडनैपिंग की इंटर्नशिप पे था यार। रात का डर नहीं लगता, रात का डर मैंने देखा है गर्मी की छुट्टियों में, जो डरा रहता था ना मैं, इतना कैजुअली डार्क बातें कर जाते थे चाचा वाचा लोग छत से। रात होती ऐसे करके सुबह खेत के पास पहुंचे ना, लाश पड़ी हो सकती है, पुलिस आती नहीं है, बीमारी मान करें पलक तो झपका दो यार एक बार। इतना आराम से कर जा रहे कि ट्रेन पकड़ने जा रहे, कह रहे देखो जा तो रहे हो खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, पिछले ट्रेन में बारात आ रही थी, लोग दुल्हन का हाथ ही काट के ले गए। चाचा 5 साल का हूँ यार मैं, कह देते मत निकालना, मैं नहीं निकालता, बाकी दुनिया हैप्पी जर्नी बोलती है। इतना आराम से, इतना डर लगता था, मैं रात भर ना बाथरूम नहीं जाता था यार,
रोक के सोता था कहीं मूत के चक्कर में मौत ही ना हो। परंतु प्रेडिक्टेबल बातें भी हो ना, डार्क बातें, तो भी आदमी डाइजेस्ट कर ले। हमारे रैंडम हो जाता था कि बंटी किस्मत का कितना धनी है, देखे हो बंटी पे पिछले साल बिजली गिर गई थी फिर भी जिंदा है। बंटी जो है अपनी ही शादी में तेल की कढ़ाई में गिर गया था, उसको फिर भी कुछ नहीं था। बंटी जो मंद बुद्धि है क्या यार, ये 28 साल का आदमी तेल की कढ़ाई में कैसे गिर जा रहा है? उसको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, परेशान है, इलाज करा, तारीफ किए जा रहे हो कि बंटी ने कल मंगलसूत्र खा लिया, कुछ क्यों खाया? खाने की चीज़ है। एक तो जो प्रॉपर मर्द होते हैं ना, मेंटल हेल्थ से डील भी ऐसे ही करते हैं। उनको डिप्रेशन हो रहा है क्या? पीठ पक्के होने में मारे ठीक हो जा रहा है। आलू निकालेंगे डिप्रेशन का दम बाबू। और अब मेरे कजिन प्रॉपर मर्द थे यार गांव के, मैं उनसे इतना कटा कटा डरा डरा घूमता था, साले मुझे लेस्बियन बुलाते थे यार। मैं कहता भैया शायद आप गे कहना चाह रहे हैं। नहीं बेटा तुम लेस्बियन ही हो। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, गर्लफ्रेंड के घर वाले भी मान नहीं रहे थे, हमने सोचा ब्रेकअप कर लेते। तो हो गया ब्रेकअप, मनहूस मुंह बना के पड़े रहते थे सारा दिन। इतना मनहूस मुंह बना के रहता था मैं, मैयत से लोग बुलाने आने लगे थे। इसकी सदमे की वजह से लोग वहां रो नहीं पा रहे। आके एक बार झरोखा दिखा देंगे क्या? हमें लगता फिर छाती पीट पीट रोने लगेगी। बट फिर मेरी मानसिक स्थिति देख के घर वालों ने सोचा शादी करा देते, जैसे ये जा रहा है गड़बड़ा ही जाएगा। बस एक शर्त की, गांव तक पता नहीं चलना चाहिए। मेरी शादी को 6 साल हो चुके, मैंने आज तक एक फोटो तक नहीं डाली सोशल मीडिया, क्या पता आखिरी फोटो। पर दीवारों के काम तो होती है, तो गांव तक खबर पहुंच गई और वहां से आने लगे भरपूर ताने, चुभने वाले बड़े बड़े ताने। एक चाची ने मम्मी को फोन करके ये तक बोल दिया कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो बांझ होती यार आप। मैंने मम्मी को बोला हर बात मुझे मत बताया करो, इट हर्ट्स होता है। मम्मी कह रही गोलू हर बात तो अभी बताया भी नहीं है तुमको। बट फाइनली मेरे पापा ही काम आए, लास्ट ईयर गांव गए थे शादी में, वहाँ बातें उठी कि गोलू ने शायद नाक कटा दी है, ऐसा ऐसा ये वो। तो पापा ने बोला नहीं नहीं सब अफवाह है, गोलू की कहाँ शादी होगी। तो लेस्बियन है। थैंक यू पापा, इट हर्ट्स मच मोर। कट कर देना प्लीज इसे। हमारे अच्छे खाने सारे लोग बहुत पसंद है। सॉरी आप लोग बहुत अच्छे हो। सॉरी गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें।
शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।